लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों के सामने खड़े हुए रोटी के संकट को दूर करने के लिए भामाशाह लगातार आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी जयपुर के बाड़ा पदमपुरा स्थित दिगंबर जैन मंदिर समिति की ओर से रोटी के लिए संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। समिति की ओर से 1000 जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राशन में 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, दाल, नमक, तेल, मसाला इत्यादि दिया जा रहा है। सूखे राशन के वितरण का काम जिला प्रशासन की ओर से जयपुर तहसील के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी के साथ मंदिर समिति की ओर से दौसा और चाकसू में भी सूखा राशन वितरण करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। क्योंकि जयपुर शहर में केंद्रीकृत व्यवस्था श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा संचालित की जा रही है, हमारे DSO सिटी के निर्देशन में, नेतृत्व में, तो ग्रामीण क्षेत्र जो हमारा एकदम जयपुर से लगता हुआ था, झोटवाड़ा पंचायत समिति का, उनकी 19 ग्राम पंचायतों में इनके वितरण की व्यवस्था की गई है। कालवाड़, झोटवाड़ा, सिरसी, वैशाली नगर और इसके आसपास की जो कच्ची बस्तियाँ या जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, उनका हमने लिस्टिंग करा ली है और उनकी आवश्यकता अनुरूप हमने व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह सारे सिस्टमेटाइज कर रखे हैं। वहाँ जो डिमांड आती है, उस डिमांड का वेरिफिकेशन हमारा आदमी उस एरिया में लगा हुआ है वो करके भिजवाता है। ग्राम पंचायतों में हमने ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनवा ली है और लगातार 23 तारीख से अभी तक वितरण चल रहा है। हमारे जयपुर के उपखंड अधिकारी युगांताजी शर्मा का मेरे पास फ़ोन आया और आपने कहा कि जो लोग इस लॉकबंदी की वजह से रोटी रोजी से वंचित हो गए हैं, उनको लिए भोजन पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। मैंने श्री दिगंबर जैन परिषद पदमपुरा के प्रबंध समिति के और मेम्बरों से बात की और हम लोगों ने सर्वसम्मति से जो भी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।